ठीक है, ये वाला हो गया पॉइंट एनविल हमारा। उसके बाद एक क्लैंप हो गया, फ्रेम भी बोलते हैं, क्लैंप भी या यू क्लैंप, तीन चार नाम है। इधर स्पिंडल, उसके बाद ये लॉक हो गया। ठीक है, लॉक या क्लैंप बोल देते हैं, मतलब रीडिंग को, मेन स्केल की रीडिंग को फ्रीज करने के लिए। यहाँ पे मेन स्केल की रीडिंग हो गई, स्ट्रेट लाइन में रहेगी। ठीक है, और जिसके ऊपर ये होगी स्लीव, यहाँ पे सर्कुलर स्केल की रीडिंग होगी, राउंड में है। ठीक है, ये पूरा पार्ट हो गया थिम्बल। ये नर्लिंग बोलते हैं, ग्रिप के लिए, मतलब पार्ट स्लिप ना हो। यहाँ पे रैचेट हो गया। उसके बाद इसमें जो है मितु, तो इसकी कंपनी का नाम है, जैपनीज कंपनी है। 0.01 लीस्ट काउंट है। इसका मतलब ये है कि इस मिनिमम वैल्यू, मतलब जो हम इससे मेजरमेंट ले सकते हैं, वो मतलब मिनिमम वैल्यू तो एक्चुअली में 50 ही ले सकते हैं, 50 से 75 इसकी रेंज है। 0.01 का मतलब क्या है, 50 के बाद जो नेक्स्ट रीडिंग आएगी 50.01 होगी, समझ रहे हो। 01 का मतलब ये है, 0.01 लीस्ट काउंट इसीलिए बोलते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट की जो मिनिमम एक्यूरेसी है, मतलब वो जो इससे मेजरमेंट ले सकते हैं, यानी 50 के बाद अगर नेक्स्ट वैल्यू की बात करें, जस्ट नेक्स्ट वैल्यू 50 से अगली जो हम इससे बिल्कुल एक्यूरेटली मेजरमेंट कर सकते हैं, वो होगी 50.01। ठीक है, 50 से 75 रेंज होगी, तो 50 से 75 की थिकनेस की रेंज में जो पार्ट्स होंगे वही हम इससे मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद ये आ गया हुक स्पैनर। ठीक है, एक इसमें क्या है, बड़ा एंड है, एक स्मॉलर एंड है। तो बड़ा एंड हम अभी मैंने दिखाई दिया, इसमें यूज करते हैं। ठीक है, स्लीव पे जीरो सेटिंग के लिए। छोटा एंड हम रैचेट पे यूज करते हैं, जब हमें सर्कुलर स्केल को आगे पीछे मूव करना हो। उसके बाद ये इसका मास्टर है। ठीक है, मास्टर में इसमें वैल्यू लिखी हुई है 50 mm माइनस 1 माइक्रोन, मतलब 1 माइक्रोन मतलब 0.001, या तो 50 mm वैल्यू होनी चाहिए या 49.999। ठीक है ना, 20 डिग्री सेल्सियस पे, मैंने पहले भी बताया हुआ था कि भाई 20 डिग्री सेल्सियस पे स्टैंडर्ड पीस को बनाया हुआ है। और एक मेन चीज़ इसमें, यहाँ पे अगर हम देखेंगे थोड़ा सा, ये थोड़ा सा पोर्शन इसका ब्लैक सा कलर का दिख रहा है इसमें भी, तो दोनों पॉइंट में क्या होता है, यहाँ पे कार्बाइड की टिप रहती है कि ये पार्ट डैमेज ना हो, क्योंकि प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आता है, तो टिप इसकी डैमेज नहीं होनी चाहिए। अगर ये डैमेज होगी तो रीडिंग सही नहीं आएगी हमारी। ठीक है ना, तो यही सारे मेन पार्ट है इसमें।